हमारे भाजपा के कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर रहे हैं, सड़क के ऊपर इस प्रकार से साइकिल या स्कूटर अनेक जो माध्यम है उनके माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि एक एक घर में जाकर व्यक्तिगत संपर्क कर रहे हैं। मैं स्वयं 2 घंटे से ज़्यादा संपर्क करके आया हूं, और मैं समझता हूं कि 100 घरों में तो मैं ज़रूर गया हूँ। इतना ज़्यादा उत्साह है, शायद जितना उत्साह भाजपा के कार्यकर्ता में मैंने देखा उससे ज़्यादा उत्साह मैंने जनता के अंदर देखा, माताओं में देखा, बुज़ुर्गों में देखा, नौजवान दोस्तों में देखा, घर के मुखिया के अंदर देखा। और सब लोग कह रहे हैं आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं, हम तो पहले से मन बना के बैठे हैं। हमने 6 महीने पहले भी नरेंद्र मोदी जी को व्यापक आशीर्वाद दिया था, जितना 6 महीने पहले आशीर्वाद दिया था उससे ज़्यादा अब दिल्ली के चुनाव में देंगे। इसलिए मुझे ज़रा भी संदेह नहीं कि 8 तारीख को भारी मतदान होगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और भारी बहुमत से 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारत के गृह मंत्री जो हमारे लौह पुरुष हैं, उनके कृत्यों को देखकर हमको सरदार पटेल जैसे महापुरुषों का स्मरण आता है। उनको किसी दिल्ली के मुख्यमंत्री के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आज वो भारत के 135 करोड़ लोगों के दिलों में बसते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं, उनकी राजनीति जो है झूठ पर, लोगों को गुमराह करने पर उनकी राजनीति की फाउंडेशन है। आप सब जानते हैं कि शुचिता के नाम पर उन्होंने सरकार बनाई थी, और शुचिता को सबसे पहले किसी ने त्यागा तो दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने।